गुड मॉर्निंग एवरी वन वंस अगेन वेलकम बैक फॉर नेक्स्ट क्लास टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नॉमन क्लेचर ऑफ साइक्लो एल्किन्स देखिए इसमें हमारा फॉर्मूले का सिर्फ इतना पार्ट यूज होगा प्राइमरी प्रिफिक्स वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स देखिए ये साइक्लिक फिगर है दैट्स वाइट द प्राइमरी प्रिफिक्स इज साइक्लो वर्ड रूट इसमें तीन कार्बन है तीन सो दिस इज प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है एन सो दिस इज साइक्लो प्रोपेन सेम इज द थिंग गोज विद द अनदर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लो चलिए इससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ते हैं अगर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास रिंग भी है और चेन भी है तो इन दोनों में से जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन होगी अगर हम ये एग्जाम्पल देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है ठीक है इसके बाद प्रेफरेंस आती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड आप देखिए दोनों में से किसी पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड भी नहीं है इसके बाद आ जाता है कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो जाएगा मेन चेन और जो दूसरा हो जाएगा वो बन जाएगा सब्सटीट्यूएंट देखिए यहाँ मेन चेन में है यहाँ इस चेन में है तीन और इधर है चार तो ये रिंग क्या हो जाएगी मेन चेन और ये बन जाएगी सब्सटीट्यूएंट तो फर्स्ट पे क्या है प्रोपाइल दैट द सेकेंडरी प्रिफिक्स प्राइमरी प्रिफिक्स हो जाएगा साइक्लो एंड वर्ड रूट इज ब्यूट एंड प्राइमरी सफिक्स एन ठीक है जी सेम इज द केस ओवर हेयर इधर दो कार्बन है और इधर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाला क्या हो जाएगा मेन चेन ये क्या हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट तो वन इथाइल प्राइमरी प्रफिक्स साइक्लो वर्ड रूट प्रॉप एंड प्राइमरी सफिक्स एन नेक्स्ट रूल अगर हमारे रिंग और हमारे कार्बन के पास दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन आटम है दैट मीनस टाई हो जाता है उस केस में जो रिंग है वो मेन चेन बन जाएगी और जो चेन है वो सब्सटीट्यूंट बन जाएगी अब देखिए वन पे क्या है प्रोपाइल प्राइमरी प्रफेक्सेज साइक्लो वर्ड रूट प्रॉप एंड प्राइमरी सफेक्सेज एन नेक्स्ट इन दोनों में से अब ये हाल हम ये रूल कर चुके हैं जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे चेन के पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो चेन मेन चेन हो जाएगी और ये रिंग क्या हो जाएगी सब्सटीट्यूंट तो सब एज अ सब्सटीट्यूएंट ये क्या हो गया वन साइक्लोबिटाइल वर्ड रूट इज पेंट एंड प्राइमरी इज एन ठीक है जी सेम इज द केस विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखिए इफ मोर देन वन रिंग इज अटैच अगर एक से ज्यादा रिंग अटैच है सिंगल चेन से इस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द चेन चेन में जितने मर्जी का बनो वो चेन हमेशा क्या बनेगी मेन चेन और ये जो रिंग्स हैं ये क्या बनेंगे सबस्टिट्यूएंट अब देखिए वन टू थ्री वन और थ्री पे क्या हो गया साइक्लोप्रोपाइल वर्ड रूट प्रॉप प्राइमरी सफिक्स एन सेम इज द केस ओवर हेयर नेक्स्ट अगर हमारी दो रिंग्स सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, हैं जो छोटी रिंग है वो क्या हो जाएगी सब्सटीटूंट जो बड़ी रिंग है दैट वुल बी कंसिडर्ड एज मेन चेन अब ये तीन कार्बन के रिंग है ये फो कार्बन के रिंग है तो तीन कार्बन वाली रिंग क्या हो जाएगी सब्सटीटूंट और फो कार्बन वाली रिंग क्या हो जाएगी मेन चेन तो प्राइमरी प्रिफिक्स हो गया सॉरी सेकेंडरी प्रिफिक्स हो गया वन साइक्लो प्रोफाइल ठीक है प्राइमरी प्रिफिक्स हो गया साइक्लो वर्ड रूट ब्यूट एंड प्राइमरी सफेक्सेस सेम इज द केस गोज ओवर दिस एग्जाम्पल ठीक है जी अब देखिए नॉमन क्लेचर ऑफ एल्की एंड एल्काइंस देखिए अगर आपकी पास कोई लॉन्गेस्ट चेन है आपने क्या करना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो ठीक है और डबल और चेन की नंबरिंग इस तरीके से करनी है जिससे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले ठीक है देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है अभी तक हम एल्केन्स में करते आ रहे थे जहां सब्सिट्यूएंट है उसको छोटी पोजीशन देनी है अब ये रूल क्या कहता है कि अगर सब्सिट्यूएंट भी लगा हुआ है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से भी कोई लगा हुआ है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पहले ही प्रेफर करना है एज कंपेयर टू सब्सिट्यूएंट दैट मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोटी पोजिशन देनी है एज कम्पेयर टू सब्सिटुएंट अब ये देखिए एग्जाम्पल इधर से चलते हैं तो सब्सिट्यूएंट को छोटी पोजिशन मिलती है और इधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड को हमारी पहली प्रेफरेंस किसकी है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तो इधर से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल रही है तो दैट मींस इधर से चलेंगे अब ये फोर पे क्या हो गया सब्सिटूं तो फोर फोर डाइमिथाइल वर्ड रूट पेंट वन पे इन सेम इज द केस गोज ओवर दिस इस साइड से चलते हैं तो डबल बॉन्ड को बड़ी पोजीशन मिलेगी और इधर राइट साइड से चल रहे हैं तो डबल बॉन्ड को छोटी पोजिशन सब्सिट्यूएंट की प्रेफरेंस में हमें डबल बॉन्ड को लोअर पोजिशन देनी है देन वी हैव टू डू द नेमिंग फॉलोइंग द आई पी एस सी फॉर्मूला चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड है पेरेंट चेन में तो आप क्या करते हैं वर्ड रूट के आगे ए लगा देते हैं ये कोई कंपल्शन नहीं है बट इट्स अ गुड रूल कि अगर दो या दो से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के आगे क्या लग जाता है ए अब वैसे नेमिंग थी पेंट इन इस रूल के क्या हो जाएगा? पेंटा थ्री ठीक है जी? तो आपने क्या करना है दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है ऐसा नहीं कि से ट्रिपल को छोटा मिल रहा है दोनों दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है बस पोजिशन छोटी होनी चाहिए अगर देखिए ये ऊपर वाले से जा रहे हैं तो थ्री और सिक्स पे आ रहे हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर नीचे जो नंबरिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो थ्री और फाइव पे आ रहे हैं तो दैट सॉरी टू और फाइव पे आ रहे हैं तो दैट मीन्स टू और फाइव छोटी पोजिशन है तो इसको हम प्रेफर करेंगे लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ई e पहले आता है तो इन पहले लिखा जाएगा और आइन बाद में अब देखिए यहाँ पे इन का ई नहीं है ये क्यों नहीं है क्योंकि रूल कहता है कि इन का ई जो लास्ट वाला है वो ड्रॉप हो जाता है अगर उसके बाद ए आई ओ यू ए वाई में से कुछ आ रहा है अगर यहां पे इन लिखते ई e के बाद वाई आ रहा था इस वजह से रूल के अकॉर्डिंग इस ई e को ड्रॉप कर दिया गया ठीक है जी नेक्स्ट रूल देखिए इफ टू इफ इफ फ्रॉम टू सब्सटीटूं एंड डिफरेंट एंड्स डबल इज मोर पायर टू ट्रिपल मतलब अगर हम इधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड को छोटी पोजीशन मिलती है और इधर से चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को ठीक है उस केस में क्या करना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है सिर्फ किस केस में आप देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वन और फाइव आ रही है वन और फोर आ रही है और यहाँ से भी वन और फोर आ रही है उस केस में आपने ये कोशिश करनी है कि जो डबल बॉन्ड है उसको छोटी पोजिशन मिले ठीक है जी अब देखिए यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन डबल बॉन्ड्स अब किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस एग्ज़ाम्पल में कि हम सारे के सारे डबल बॉन्ड को मेन चेन में कोशिश ये करनी है कि जितने डबल बॉन्ड्स हैं वो मेन चेन में आए बट इस एग्जाम्पल के अगर हम केस देखें तो इसमें सारे मेन चेन में नहीं आ रहे उस केस में क्या करेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन है आप वो लेंगे ये सब्सिट्यूंट है ये डबल बॉन्ड वाले सब्सटिट्यूंट आप इसको देखिए ये क्या है दिस इज़ इथिनाइल तो फोर पे आपका सब्सिट्यूंट हो गया इथेनाइल वर्ड वै वन डाई इन सो दीज व सब्सिट्यूंट विच यू हैव टू फॉलो दीज आर द एग्जाम्पल्स ओवर हेयर ये देखिए ये मेन चेन हो गई ये डबल बॉन्ड चेन में नहीं आ रहा तो मेन uh, चेन से डबल बॉन्ड सी एस टू को क्या बोलते हैं मिठाइलिड ये हमारा क्या हो गया सब्सिट्यूंट पेंटा वन वो डाई सेम इज द केस गोज विद दीज एग्जाम्पल आई होपी यू पीपल आर ट्राइंग दीज एग्जाम्पल्स चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मन क्लेचर ऑफ साइक्लो एल्किन्स एल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड आ गया जहाँ पे भी बॉन्ड आएगा वहाँ पे पोजीशन लगा दीजिए वन है तो वन पे लगा दीजिए इसके अलावा कोई और है तो और यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है वन और टू पोजीशन मतलब आप देखिए आप वन टू थ्री इधर से भी काउंट कर सकते थे वन टू थ्री इधर से भी काउंट कर सकते थे ठीक है अब देखिए अगर मैं इधर जा रही हूँ दैट मीन्स आई एम मूविंग एंटी क्लॉक वाइज ओवर है वन टू थ्री ये मैंने लिखा इनकरेक्ट वन टू थ्री ये करेक्ट है ऐसा क्यों वन और टू के बीच में पूरे में डबल अगर आप ये देखिए यहाँ वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा हमारा रूल कहता है कि वन और टू के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए वो वाली नंबरिंग करेक्ट है तो उस वे में ये वाली नंबरिंग करेक्ट है तो देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपकी सब को बड़ी पोजीशन मिल जाती है वन और टू के बीच में क्या रहना चाहिए आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो थ्री पे प्रोमो साइक्लो प्रो वन ई ठीक है जी चलिए नेक्स्ट अब देखिए ये एग्जांपल देखिए वन टू इधर चले जाते तो ये वन टू के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता इधर जाने से वन टू के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो साइक्लोहैक्स वन पे है डबल बॉन्ड और फोर पे है वन फोर डाईन सेम इज द केस ओवर हेयर अब देखिए अब आपके पास एक रिंग है और एक स्ट्रेट चेन है उन दोनों में से किसी पे फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसको मेन चेन लेंगे अब देखिए इस एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है नेक्स्ट इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड अब देखिए ये जो चेन है इसमें डबल बॉन्ड है हालांकि जो साइकिल है ये बड़े ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है बट पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम से ज़्यादा हम प्रेफरेंस किसको देते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ये चाहे बेशक चेन छोटी है ये आपकी मेन चेन हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा सब्सटिटूएंट वन साइक्लोहेक्साइल वर्ड रूट इथ प्राइमरी सबिक्स इन तो दैट मीन्स ये आपके इतना हिस्सा फॉर्मूले का यूज हो गया तो दीज व द नॉर्मन क्लेचर आई होप यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग वर्कआउट ऑन दिस टॉपिक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की वर्किंग कीप स्टार्टिंग थैंक यू सो मच